नमस्कार। आम इंसान और बिजनेसमैन की सोच में क्या अंतर है? अंतर तो वैसे बहुत सारा है, लेकिन एक अंतर बहुत बड़ा है जो मैं आपको बताऊंगा। आम इंसान की सोच में और बिजनेसमैन की सोच में, कि उस मैटर को लेके आम इंसान क्या सोचता है और बिजनेसमैन क्या सोचता है। आम इंसान पता है आपको पैसे को क्या करता है? पैसों को बड़ी सोच समझ कर खर्च करता है। यहाँ खर्च नहीं करना, वहाँ खर्च नहीं करना है, इस जगह पैसे लगाने, इस जगह नहीं लगाने। आम इंसान की सोच यही होती है, पैसे को सोच समझ कर खर्च करना। अब बिजनेसमैन को देखिए, वह समय को सोच समझ कर खर्च करता है। यहाँ यही तो अंतर है, यही तो अंतर है दोनों में, बहुत बड़ा अंतर है आम इंसान और बड़े व्यापारी में। आम इंसान पैसे को सोच समझ कर खर्च करता है, लेकिन बिजनेसमैन टाइम को सोच समझ कर स्पेंड करता है। उसे पता है कि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस समय है। उसको पता है, अगर मैं समय बचा लूंगा ना, तो मैं पैसे ऑटोमेटिक बचा लूंगा। और आम इंसान इस बात में नहीं देखता, आम इंसान का समय कहां खर्च हो रहा है वो उस पर ध्यान नहीं देता है। वो बस ध्यान देता है पैसे पे, पैसे कहाँ बचाने हैं, पैसे कहाँ बचाने हैं। इसी चक्कर में आम इंसान रह जाता है, बिजनेसमैन और आगे बढ़ता जाता है। उसको पता है कि टाइम इज द मनी। अगर टाइम को बचा लिया मैंने अपने आप के लिए, तो वो मेरे लिए मनी बन जाएगी। तो वो टाइम पर बचाने पर ध्यान देता है। टाइम किस जगह कहाँ एग्जीक्यूट करना है बिजनेसमैन अच्छी तरह से जानता है। तो अपनी सोच को भी बड़ी करो, पैसे कहां खर्च करने हैं उस पर ध्यान मत दो, समय कहां खर्च करना है उस पर ध्यान दो। अगर समय को आप सही जगह सही वैल्यू दोगे ना, तो आपके पैसे ऑटोमेटिक सेव होंगे और आपके पैसे ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएंगे। आम आदमी और बिजनेसमैन की सोच एक ये भी है, आम आदमी पैसों को बढ़ाने की नहीं सोचता है। वो क्या सोचता है, वाह यार नौकरी चल रही है, अच्छी चल रही है, जिस अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, ठीक है, वो उस पर रहता है। लेकिन बिजनेसमैन क्या करता है, उसके पास पैसे आते हैं तो वो पैसों को और पैसों बढ़ाने की सोचता है। यही सोच उसको आगे बढ़ाती है। वो पैसे को इकट्ठा नहीं करता है, वो पैसे को एक जगह नहीं रखते हैं। बिजनेसमैन चाहता है कि पैसे को वहां शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टीज में, तरह तरह जगह जगह इन्वेस्ट करता रहता है। और यही सोच बिजनेसमैन को बड़ा बनाती है और आम इंसान को छोटा बना देती है। आम इंसान रिस्क लेने से डरता है और बिजनेसमैन रिस्क लेने से नहीं डरता है। आम इंसान रिस्क लेने से डरता है और बिजनेसमैन रिस्क लेने से नहीं डरता। यही अंतर है दोनों में। बिजनेसमैन कहता है कि मुझे रिस्क लेनी है, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन वही आम इंसान कहता है, नहीं यार जिंदगी चल दी, आराम से चलने दो यार, क्या करना है, बेकार के रिस्क लेके क्या करना है, जिंदगी चल रही है जैसे चलने दो। यही अंतर है दोनों में। एक को रिस्क लेना पसंद है और एक को रिस्क लेना नहीं पसंद है। एक आगे बढ़ जाता है, एक पीछे रह जाता है। बिजनेसमैन और आम इंसान के बीच में एक अंतर और है, बिजनेसमैन देश दुनिया और नया नया सीखता रहता है, और आम आदमी देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, नया कुछ सीखना नहीं है, जो चल रहा है बस चलने दो। इसलिए बिजनेसमैन आगे बढ़ जाता है, आम इंसान पीछे रह जाता है। तो अगर आपको सोच में बदलाव लाना है, तो देश दुनिया में क्या हो रहा है, अपने आसपास क्या हो रहा है, क्या अपडेट चल रहा है, उससे आप अपडेट रहिए और कुछ न कुछ नई स्किल्स सीखते रहिए, क्योंकि यही नई स्किल्स आपको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तो कुछ ऐसी सोच का अंतर है बिजनेसमैन और आम आदमी में, और यही अंतर बिजनेसमैन को और बड़ा बनाने की तरफ ले जाती है और आम इंसान को छोटा से छोटा करती रहती है। तो इनके बीच में यही सोच का सबसे बड़ा अंतर है।